हेलो दोस्तों, ये इस पैथोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिडास जो होता है, बिडास पे हार्मोन्स कैसे लगाते हैं। दोस्तों, ये बिडास मशीन हो गया, ये मॉडल नंबर है बिडास ऑटोमेटिक इम्यून एनालाइजर। इसका मॉडल है, इसमें 5 चैम्बर हैं, ए बी सी डी और ई, इसमें 5 ब्लॉक्स हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं मशीन पर, हम बताएँगे आप लोगों को कि कैसे लगाते हैं हार्मोन्स, कैसे लगाते हैं। दोस्तों, इस पर हमने कोई पासवर्ड होता है पासवर्ड डालते हैं, ओपन कर लेंगे, डेस्कटॉप ऐसा दिखेगा। दोस्तों, फ्रंट जब खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसमें से हमें ये वाला ओपन करना है दोस्तों, बिडास पीसी का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर खोल दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, हमको अगर सैंपल की एंट्री करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, बैक जाते हैं, कट कर दिया दोस्तों, इसे बैक एस क्लॉक डी ऑन कर दिया दोस्तों। इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओपनिंग होगा, ओपनिंग के बाद सैंपल की एंट्री करनी है तो इस पर हम क्लिक करके करेंगे, और हमें रिजल्ट देखनी है तो इस पर करेंगे कितना टेस्ट वैल्यू आया हुआ है। तो हमें दोस्तों टेस्ट लगाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस पर आ गया सैंपल आईडी। सैंपल आईडी में नाम डालना चाहते हो नाम डाल सकते हो, एक दो सीरियल नंबर डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, और एसी में डालना है टेस्ट कौन सा लगाना है। हमें दोस्तों टेस्ट लगाना है टीएसएच, तो हम टीएसएच डाल देते हैं। टीएसएच करके हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें हमें डालना है आईडी नंबर, सैंपल आईडी डालना है, ये तो नाम डाल सकते हो या कोई सा आईडी नंबर डाल सकते हो। दोस्तों, हमें 7 नंबर का लगाना है, 7 नंबर हमने डाल दिया। इस पर अपना सैंपल आईडी भी 7 नंबर डाल दिया, उसमें टीएसएच डाल दिए हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, देखो यहाँ पे 7 नंबर का टीएसएच आ गया, आईडी नंबर मैंने 7 डाला और 7 आ गया। अब दोस्तों, फिर हमें टीएसएच फिर हमको लगाना है किसका, 8 नंबर का, आईडी नंबर 1% का और लगाना है। तो दोस्तों, 8 नंबर क्लिक कर दिए, फिर नेक्स्ट क्लिक क्रिएट करेंगे, फिर 8 हो गया, 7 और 8। दोस्तों, अब टीएसएच हो गया है, हमें लगाना है T4, तो T4 फिर इस पर हम क्लियर करेंगे। टी एस जो इस पर लिखा है, ऐसे भी इस पर क्लिक किए, इस पर T4 डाल दिया हमने, T4 इस पर डाल दिया हमने, फिर सेलेक्ट कर लिया किस नंबर का T4 था। दोस्तों, T4 हमें लगाना है सैंपल आईडी नंबर डाल करके, T4 7 का लगाना है हमें। तो हमने इस पर क्रिएट करेंगे, फिर से क्रिएट करने के बाद ऐसे हो गया दोस्तों। तो अब हमें लगाना है फिर किसका, हमें अब लगाना है दोस्तों, हमको प्रोलैक्टिन लगाना है। प्रोलैक्टिन जाएंगे तो इस पर दोस्तों हम PRL क्लिक करेंगे, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आ गया दोस्तों, प्रोलैक्टिन पे क्लिक कर देंगे। प्रोलैक्टिन पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम इस पर कर दिए, फिर इस पर प्रोलैक्टिन हमको जिसका लगाना है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम आईडी नंबर पर हम डाल देंगे जिसका हमको लगाना होगा। या तो पेशेंट नेम डाल सकते हो आप, चाहे आप आईडी नंबर डाल सकते हो। तो मुझे 8 नंबर का लगाना है अपने, हम सैंपल आईडी मेरा 8 है, तो इस पर हमें क्रिएट करेंगे, फिर क्रिएट कर देंगे। तो सैम देखो यहाँ पे आ गया सब। अब इसके बाद दोस्तों, हमने जो टेस्ट लगाए हैं उसको मैंने यहाँ पे उस पर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो हमने T3 T4 टी एस एस लगाए हैं। सैंपल आईडी मैंने इसे नाम डाल दिया है, और T3 PRL लगाए हैं डाल दिए दोस्तों। इस पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद नीचे पर सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद ये जो टेस्ट लगा इस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, फिर इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, जो रैक यहाँ फर्स्ट लिखा है इस पर क्लिक कर दिए दोस्तों। यहाँ पे देखो सब आ गया, ए ब्लॉक जो हमारा ये है ये ख़राब चल रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें लोड नहीं हुआ है। तो बी में हमें लगाना है, बी में फर्स्ट वाले चैम्बर में, देखो दोस्तों ये बी वाले ब्लॉक में फर्स्ट सेकेंड में थर्ड में और थर्ड तक TSH लगाने हैं। तो दोस्तों ये बी ब्लॉक हो गया, फिर फर्स्ट दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर 3 नंबर तक TSH हो गया, फिर 5 और 6 T4 लगाना है दोस्तों। इसके बाद इसमें देखो सैंपल व दोस्तों लिखा हुआ है कि हमको सैंपल कितना डालना है, 200 माइक्रोलीटर डालना है TSH में और TSH में और T4 में 200 माइक्रोलीटर डालना है। और जो सी ब्लॉक में है दोस्तों, सी ब्लॉक में हमारा है वो T3 लगाना है, किस रैक में, ये फर्स्ट नंबर पर लगाना है, और T3 लगाना है सी रैक नंबर पर, सी ब्लॉक में। और डी में लगाना है फर्स्ट नंबर पर PRL दोस्तों। सैंपल इतना डालना है 200 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर TSH में, TSH में 200 माइक्रोलीटर। इसके बाद
दोस्तों देखो इसको ऐसे लगाते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद फिर ऐसे फिर प्रेस कर देना है ऐसे। एक कट से जब बोल जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, लग गया। दोस्तों अब देखो टी एस एस ऐसे लगा, ऐसे लगाएंगे यहाँ पे बझा लिए। प्रोब बझाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ये ऐसे, कट से आवाज़ आएगा दोस्तों, इसका मतलब लग गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोब लगाना है इसका, टी एस एच हमने टेस्ट लगाया है तो टी एस एच के यहाँ पे हमें ये लगाने हैं। इसे डाल देना है दोस्तों हमें, तीन टी एस एच जहाँ पे मैंने देखो लगाया वहाँ पे टी एस एच टी एस एच टी एस एच उसी में ब्लॉक हमने डाल दिया टी एस एच एक इसकी टिप्स डाल दी दोस्तों। दोस्तों देखिए टी एस एच इस पर हो गया, टी फोर हो गया है और टी थ्री हो गया है सी वाले ब्लॉक में, और डी वाले ब्लॉक में प्रोलैक्टिन हो गया दोस्तों। और इसका देखो यहाँ पर टिप्स डाल दी, प्रोलैक्टिन का प्रोलैक्टिन में, टी एस एच का टी एस एच में, और टी एस ओ टी थ्री का टी थ्री में, टी फोर का टी फोर में, टी एस एच का टी एस एच में दोस्तों। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि सही लगा हुआ है नहीं लगा दोस्तों, यहाँ से हम देख लेंगे। बी वाले में टी एस एच टी एस एच फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक, फिर फोर्थ पे टी फोर, फाइव पे टी फोर, इसके बाद सी वाले ब्लॉक में टी थ्री फर्स्ट वाले रैक में, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रैक में टी थ्री सी वाले में, फिर डी में पी आर एल लगाना है फर्स्ट वाले में दोस्तों। और सैंपल डालना है 200 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर, 200 माइक्रोलीटर। तो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन देख लो, बी सी डी, सी सी में देखो हमारे टी थ्री हो गया, डी फोर में हो गया हमारा पी आर एल, इसमें हो गया हमारा टी एस एस टी एस एस, टी फोर टी फोर। इसके बाद दोस्तों हम इसमें सैंपल डालेंगे, बी वाले में डालना है देखो टी एस एच में। दोस्तों देखिए सैंपल ले लिए 200 माइक्रोलीटर टी एस एच में, यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले रैक में डालना है टी एस एच में 200। दोस्तों जितने भी हारमोन्स थे सब में सैंपल को डाल दिया गया है, देख लो दोस्तों यहाँ पे टी एस एच है, टी एस एच टी एस एच जितने होते हैं, और टी फोर में 200 माइक्रोलीटर डालते हैं, उसकी रीडिंग आने की टाइमिंग 31 मिनट्स है। और 100 माइक्रोलीटर डालते हैं टी थ्री में, जिसकी टाइमिंग आने के रिजल्ट है 39 मिनट्स में आ जाएगा इसका रीडिंग। और पी आर एल का 200 माइक्रोलीटर डालते हैं 34 मिनट्स में रीडिंग इसकी आ जाएगी पी आर एल की दोस्तों। दोस्तों इसके बाद ये जितने भी टेस्ट लगे थे सब टेस्ट में सैंपल को डाल दिया गया है, और सबकी अपनी प्रोब सब अपनी अपनी जगह पे डाल दिया गया है दोस्तों। अब इसके बाद हमको स्टार्ट करना है दोस्तों। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट यहाँ पे जो क्लिक करेंगे स्टार्ट, यहाँ से क्लिक करेंगे।